देख रहे हैं आल मीडिया प्रोडक्शन, जहां पे हम फोकस न्यूज HD और मिनर न्यूज HD और इसके साथ IHR न्यूज जो कि होम्योपैथिक के चैनल हैं, मतलब होम्योपैथिक के और भी बहुत सारे चैनल जिन पे ये सारी गुफ्तगू चलेगी। तो आज हम इस सिलसिले में हाजिर हुए हैं कि हर साल होम्योपैथिक का जो डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को, तो पिछले साल भी इसी मरकजी दफ्तर जो है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के मरकजी दफ्तर में मनाया गया। हमारे साथ हम मौजूद हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर साहब, जो कि होम्योपैथिक इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट के फाउंडर भी हैं, बानी भी हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि जो होम्योपैथिक डे है 10 अप्रैल को मनाया जाता, 68वां इस बार मनाया जाएगा, उस हवाले से इनकी क्या तैयारियां हैं, उस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस बारे में। जी हाफिज नदीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफिज नदीम साहब आपका और आपकी मीडिया टीम का बेहद मशहूर हूँ, और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे जो 8-9 चैनल्स लॉन्च कर चुके हैं हमने, उनमें से IHR न्यूज़ है, फिर मिरर न्यूज़ है, फिर होम्यू 5 न्यूज़ है, होम्यू पंचतनी न्यूज़ है, फिर IHSM न्यूज़ है, फिर HCD होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज़ है, फिर उसके बाद और बहुत सारे दूसरे चैनल्स हैं जिन पे जो है होम्योपैथी के ब्लॉग्स, तबसरे होम्योपैथी पे जो है तजिए जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज़ के सिलसिले शुरू किए गए हैं, उन तमाम चैनल्स का मैं दिल से मशकूर हूँ, खुशामदीद कहता हूँ उन्हें कि वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर और मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आप लोग तशरीफ लेके आए, और हमें मौका मिला आपके तवसत से कि आपके चैनल्स के तवसत से कि जो हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो पाकिस्तान समेत हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, उसके लिए आपने हमारी मदद की है, हमारी आपने राहें जो हैं वो हमवार की हैं। हाफिज नदीम साहब, गुज़श्ता सालों की तरह हम हर साल जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया के साथ, तो इस दफ़ा एक नए जज्बे, एक नई सोच फिक्र के साथ, एक जोश और जज्बे के साथ, एक नई गूंज गरज और कड़क बड़क के साथ जो है पूरे इंतहाई जोश और जज्बे के साथ और जुनून के साथ जो है इस वक्त इस दफ़ा हम जो है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, जो कि 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे, और ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी, ही वाज ए किंग ऑफ होम्योपैथी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर, किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीमन की जो ज़ात है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जो हैं हम माने जाते हैं, और मेडिकल साइंस की दुनिया में जो उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर करके जो एक इनकलाब बरपा किया, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं हाफिज नदीम साहब वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये होम्योपैथी तरीका इलाज का तरक्की का मुंह बोलता जो है वो सबूत है, और फिर उसके अलावा इस तरीका इलाज को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव WHO हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है ये वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है, और होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका बढ़ता हुआ रुझान जो है पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स या बेशतर सरकारी हॉस्पिटल उनमें होम्योपैथ डॉक्टर्स को जो है एड एज ए मेडिकल ऑफिसर जो है वो तैनात किया जा रहा है, 16वें 17वें ग्रेड में उनको जो नौकरियां हैं वो दी जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, इससे जो है एक नया ब्रेक थ्रू मिलेगा, और इससे ज़िंदगी जो है होम्योपैथी की लाइफ जो है वो इजाफा होगा उसमें, और मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सर्वाइव करेगा और इसकी जो है वो अचीवमेंट होगी। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त इंटरनेशनल होम्योपैथी सेविंग मूवमेंट के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ,
इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट होम्योपैथिक के जो बानी हैं, फाउंडर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवत साहब भी मौजूद हैं और सीनियर डॉक्टर रेहान कदी रंजम साहब भी मौजूद हैं इनके साथ साथ लेडी सीनियर डॉक्टर जो हैं लाइबा हमीद साहबा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन डॉक्टर हजरात की टीम से ये पूछना चाहेंगे कि इस साल वो कौन सी डेट पे 68वां जो होम्योपैथिक डे है वो मना रहे हैं, वो कम से कम हमारे चैनल्स के थ्रू लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि इस डेट को होम्योपैथिक डे मनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी रमजान शरीफ आ गया था, इस बार भी रमजान शरीफ आएगा, तो इसलिए उस डेट का पहले पता चल जाना ज़रा बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब डेट के बारे में बताइए। जी जी हाँ फिलजदीप साहब, यहाँ मैं ये कहूँगा कि चूँकि 10 अप्रैल 23 मार्च का 2023 पहला रमज़ान मुबारक है, रोज़ा है, तो मुसलमान रोज़ा उनका महीना जो मुकद्दस महीना है वो शुरू हो रहा है हमारा। इसके लिए हमने पिछले साल भी जो है गुज़श्ता साल हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 267वीं जो हैप्पी बर्थडे सालगिरह को सेलिब्रेट किया था उसमें हमने प्री हैप्पी बर्थडे जो मिनी सालगिरह को सेलिब्रेट किया था 267वीं। इस दफ़ा हम जो है डॉक्टर रेहान कदीर अजम साहब ने हमें वो कैलेंडर से बताया है। डॉक्टर साहब क्या आपने वो डेट निकाली है? 19 मार्च इतवार को सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे दोपहर 1 बजे मियां मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद में, इतवार के दिन। जी जी इतवार वाले जी जी। तो प्री हैप्पी बर्थडे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं 268 हैप्पी बर्थडे सालगिरह को हम सेलिब्रेट करेंगे। पहले ये हम अलर्ट जारी करेंगे छोटी सालगिरह को प्री हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट करके, फिर उसके बाद जो है 10 अप्रैल उस दिन डॉक्टर साहब कौन सा वो रोजा है, कितना रोजा है, कितने रोजे हो गए जाएंगे 10 अप्रैल को? तो ये चलो जितना भी होगा जी 10 अप्रैल को जो है डॉक्टर अपना हाफिज नदीम साहब हम जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को इंतहाई जोशो जज्बे और इंतहाई जो है पुरजोश होके और जुनून के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस दफ़ा हमने फैसलाबाद भारत से नहीं, पाकिस्तान भारत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इनविटेशन दिया, जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं और जितने भी होम्योपैथी तरीका लाइज में जो है एक्सपर्ट्स हैं, माहरीन हैं, उनको भी हमने ओपन कॉमन इनविटेशन हम दे रहे हैं कि वो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में पहुँचे और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में तशरीफ लेके आए और हम इंशाल्लाह ताला वो इकट्ठे जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे और वर्ल्ड होम्योपैथी डे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए हमने इंतजाम मुकम्मल करने के जो हमारे सिलसिले हैं शुरू कर दिए हैं और जगह जगह जहाँ जहाँ भी हमारा हल्का बाब है, जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वहाँ तक हम जो है वो इन्विटेशन लेटर्स का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला बड़ी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ हम इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। पहले 19 मार्च बरोज इतवार दिन 1 बजे दोपहर 1 बजे इसको सेलिब्रेट करेंगे प्री होम्योपैथ प्री हैप्पी बर्थडे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की। फिर उसके बाद 10 अप्रैल 1755 को वो उनकी बर्थ हुई थी, तो ये 10 अप्रैल को 268वां 268 उनकी हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे रात 10 बजे उस दिन 10 अप्रैल रात 10 बजे इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला इसके लिए पैगाम का जो सिलसिला है, जो दावतनामे हैं वो पहुंचाने हमने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ भाई नदीम साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपकी टीम ने अपना कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन 10 अप्रैल को और 19 मार्च को ये जो दो इवेंट हैं इनमें लाजमी शिरकत कीजिएगा, इनमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, होम्योपैथिक के हवाला से बहुत सारी आगाही मिलेगी। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।